तुझे सहलाया है और इस घर के आंगन के पालने में तू पली बड़ी खेली कूदी और कुछ ही दिनों में तू इन सब से विदा लेकर अपना नया घर संसार बसाने चली जाएगी। इस घर के चप्पे चप्पे को तू बहुत याद आएगी। ये घर और मेहंदी का पौधा हमारे अस्तित्व की पहचान है। मैं जहां भी जाऊंगी ये पहचान अपने साथ लेकर जाऊंगी। राम जी करे तेरी खुशियों को और इस घर को किसी की नजर ना लगे। मेरी नजर अब बस मेहंदी वाले घर पर है। पर ध्यान रहे हमारी इस खुराफात के बारे में विक्की के पापा को न पता चले वरना वो गुस्से के तवे में बैठकर गर्मा जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। बढ़िया, आप तो बस ये नोटिस मेहंदी वाले घर में भिजवा दीजिए। शादी की खुशियों की जगह मातम छा जाएगा और फिर मनीषा की शादी जाएगी फट्टे खाते में। क्यों बिकी? मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी बहन को मंडप में छोड़ के भाग गया था वो मनीषा का डॉक्टर भाई। मेरी बहुत हड्डी टूटी है उसके चक्कर में। बड़ी बेइज्जती और बदनामी हुई थी और जो घाव उन्होंने दिया था आज तक भूला नहीं हूं मैं। अब घाव देकर बदला लेने की बारी मेरी। मेहंदी वाले घर की पहचान आपके आशीर्वाद से बनी रहे, आपकी खुशबू से हमारा घर परिवार संसार हमेशा महकता रहे। टूटे तारे से क्या विश मांगी तुमने? विश बता देते तो पूरी नहीं होती। अच्छा, गॉड मिस हायतोबा की जो भी सीक्रेट विश हो ना आप प्लीज पूरी कर देना। चीयर्स। कॉफी पियोगी? नहीं थैंक्स। अरे चक्के बता दो शक्कर ठीक है कि नहीं। देखा पिला दी। अपनी मर्जी का करवा ही लेते हो तुम। तुमसे ही सीखा है मैंने। तुम्हारा ही मन था ना कि बुआ जी की विश पूरी हो जाए। देखो विश पूरी हो गई। I'm happy राहुल कि बुआ जी की सारी विश पूरी हो गई। सेम पिंच। मुझे लगता है सबको जो है ना बुआ जी की तरह अपनी सारी विशेस डायरी में लिख देनी चाहिए। उससे क्या होगा? एक होप रहेगी कि मैजिकल मौली की तरह कोई आएगा और एब्रा का डैब्रा कर कर उसकी सारी विशेस पूरी कर। You're right, राहुल। Nati? Coffee? You made it. Amazing. वैसे मौली, I wanted to ask you something. Deep down, तुम्हारे दिल में ऐसी कोई wish है जो तुम चाहती हो कि पूरी हो जाए? Mm-hmm.
मेरी तो सारी विश राम जी पूरी कर चुके हैं. लाइक लाइक मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बन गई. पापा को इस मेहंदी वाले घर में इस परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी. वो भी धीरे धीरे हो रहा है. अब बस इतना चाहती हूं कि ये परिवार जैसा पहले था, ये परिवार बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा 25 साल पहले था. मिस हायतोबा, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, राहुल और मौली दोनों की कंबाइंड विश है. एंड आई एम श्योर हम दोनों मिलकर इस फैमिली का पुराना चार्म वापस ले ही आएंगे. 100% तुमने बुआ जी के मैटर में मेरी बहुत हेल्प की है राहुल, थैंक यू. एक्सक्यूज मी, हम दोनों के बीच में ये सॉरी और थैंक यू वाली फॉर्मेलिटीज कब से शुरू हो गई? तो तुम दोनों कॉफी एंजॉय करो, मुझे थोड़ा काम. इसे क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? सॉरी. बहुत सॉरी. जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने 2 मिनट मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया. इससे अच्छा तो लंदन था. हम वॉक्स पे जाते थे, ओपरास देखने जाते थे. कितना सारा टाइम स्पेंड किया है हमने साथ में, जस्ट यू एंड मी. अच्छा राहुल, यू रिमेम्बर हम एक मूनलाइट डिनर पे गए थे? आज द मून इज द सेम ब्राइट एंड प्रिटी. मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया था, याद है? अच्छा, आई विल सिंग फॉर यू अगेन. लेट मी चार्म यू. मैं रोहित से अपनी गिटार लेके आती हूँ. तुम यहीं रहना, प्रॉमिस. इस मून से भी ज्यादा कुछ प्रिटी है तो मिस हायतोबा की स्माइल है जो गायब थी. पता नहीं क्यों इतनी टेंस लग रही थी. मून ब्रो, एनी आइडिया व्हाट्स अप? ऐसा क्या करूं मैं जिससे मिस हायतोबा की स्माइल वापस आ जाए? पर बताना पड़ेगा क्या हुआ है तुम्हें. बोलो, टेल मी हुआ क्या है, बोलो. ओ मौली, रो रही हो? जानकी माँ को सबका फ्लावर मेकओवर करते देख के इमोशनल हो गई क्या? हाउ क्यूट. लेकिन इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है? अरे यार, मेरी भी जब लाइफ में इतनी सारी कंफ्यूजन चल रही होती है ना तो मैं भी बहुत सैड हो जाता हूँ. व्हाट कंफ्यूजन? रिलेशनशिप स्टेटस का कंफ्यूजन ब्रो. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस घर की बहू है, बेटी है, अरे कुछ है भी या नहीं. मतलब जब मेरी भी लाइफ में इतनी सारी कंफ्यूजन चल रही होती है ना तो मैं भी पूरा ऐसे सैड हो जाता हूं. और मतलब समझ ही नहीं आता क्या करूं. राइट, वही चीज है. स्टॉप इट गोलू. जोक और लूज टॉक में फर्क होता है. अगर पता नहीं कब क्या बोलना तो मत बोल. कम ऑन डाउन, काम डाउन. गोलू ने ऐसा भी क्या बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे कजिन्स के बीच का मैटर है. स्टे आउट ऑफ इट. रति, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था. लूज टॉक. मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं बस फैक्ट स्टेट कर रहा था. अब ये मानस भैया की वाइफ तो है नहीं, तो इनका रिलेशनशिप स्टेटस इस घर में कंफ्यूजिंग वाला ही रहा ना. राइट, मौली का इस घर के साथ क्या रिश्ता है मैं बताता हूं. एक नहीं, कई रिश्ते हैं मौली के इस घर के साथ. सबसे पहला रिश्ता, मिनी की शादी गलत घर में होने से रोका है मौली ने. उसकी सेवियर है. ज्योति चाची से साड़ी का प्रेजेंटेशन करवा के उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट दिलवाया है. उनका सपोर्ट है ये. जिस तरह दादी ब्रो ने इस घर में सबको जोड़कर रखा है, बिल्कुल उसी तरह मौली इस घर में सबको जोड़कर रखने की कोशिश कर रही है. दादी ब्रो की परछाई है ये.
हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है मौली, सबकी फेवरेट है, कभी फ्रेंड, कभी गाइड, कभी फिलोसोफर, सब है मौली। इस घर का नाम मेहंदी वाला घर है क्योंकि इस घर के आंगन में मेहंदी का एक पेड़ है। क्या रिश्ता है उस पेड़ का इस घर के साथ? कुछ नहीं, पर फिर भी वो पेड़ इस घर की पहचान है। बिल्कुल उसी तरह मौली इस घर की जान है। दोबारा मत पूछना कि उसका इस घर के साथ क्या रिश्ता है। कभी कभी अपना मन हल्का करने के लिए खुद को अंदर से खाली करना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें इफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी तुमसे ऐसे फालतू सवाल करेगा तो उनके जवाब मैं दे दूंगा। तुम इस घर के लिए इतना कुछ करती हो, अगर ये रिश्ता नहीं है तो क्या है? जब भी फैमिली को जरा भी प्रॉब्लम होती है तो भागते हुए तुम्हारे पास आ जाते हैं। अगर ये रिश्ता नहीं है तो क्या है? खुद को मुसीबत में डाल के घर वालों की हेल्प करती हो, ये रिश्ता नहीं है तो और क्या है? और जो मेरे दिल का रिश्ता तुम्हारे लिए है, तुम्हें वो क्यों नहीं दिख रहा? मेरी आंखों में जो तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हें वो क्यों नहीं दिख रहा राहुल? मैं कैसे खुद को रोकी रहती हूँ कि कहीं मैं तुमसे ये ना कह दूं कि राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें वो क्यों नहीं दिख रहा? हर सेकंड मुझे तुमसे जानबूझ के दूरी बनानी पड़ती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ राहुल। तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा? मेरा रोम रोम तुमसे प्यार करता है राहुल, तुम्हें वो क्यों नहीं दिख रहा? हेलो, मौली कहाँ खो जाती हो तुम? देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई बात है जो तुम्हें बॉदर कर रही है। इस बात को दिल में लेके घूमना बंद करो, मेरी आंखों में आंखें डालो और बिना सोचे बोल दो। मौली, हाँ, तुमने गुड्डी को देखा है क्या? मैंने उसके कपड़े प्रेस करके रखे थे, वो पता नहीं कहाँ पर हो गई। गुड्डी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तन्वी चाची ढूंढ रही है। गॉड नोज मौली के मन में क्या चल रहा है। ये मौली कहाँ चली गई? क्या बेटा, अरे कहाँ ले जा रही है? हाँ जी बोलिए। जानकी अग्रवाल का घर यही है? हाँ यही है। सरकारी नोटिस है, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। सरकारी नोटिस? जी। धन्यवाद। आपको सूचित किया जाता है कि आपके घर का आगे का हिस्सा गैर कानूनी ढंग से बना है, इसलिए 3 दिन बाद उसे ढहाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा।
साथ चलोगे अरे पापा? तैयार हुए हैं नहीं? मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। सच सच बता, क्यों जाना चाहती है मुंबई? राहुल और रति का रोका होने वाला है और वो मैं देख पाऊं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा चाची जी। जी आप चौंक क्यों रही है? ये तो होना ही था ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो राहुल को नहीं जानती है क्या? उसने ये मैच जीतो रोका करो वाली बात ऐसे मस्ती में कह दी होगी। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाची जी, मैं मन से बनाकर नहीं बोल रही, मैंने खुद सुना है, यही डिसाइड हुआ है और यही होगा चाची जी। और जो तय हो चुका है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चाची जी, आप मेरे बारे में सोचकर परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं, जा रही हूं, पर रति और राहुल के लिए मेरे बेस्ट विशेस हैं। बेस्ट हो गए तो मुबारक हो भाभी। मेरा मतलब होने वाली भाभी। थैंक यू। मुझे ना तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए होगी। मैं करूंगा ना आपकी मदद, बताइए। और वैसे भी आपके और मेरे परिवार की अब रिश्तेदारी जो जुड़ रही है। हाउ स्वीट। या आई नो, मी वेरी वेरी स्वीट। बढ़िया बात है, बस एक बार मैं लंदन से पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनकर आ जाऊं, फिर देखना मैं सब संभाल लूंगा ठान करके। ओह अरे अरे सॉरी, मैं बातों बातों में तो भूल ही गया। बोलिए बोलिए, कैसी मदद चाहिए? देखो राहुल ने ना मुझे इस स्पेशल डे के लिए बहुत वेट कराया है, अब आई वांट कि मैं उससे बदला लूं। बदला कैसे लेंगी? मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उसे इतना आसानी से हाँ ना बोलूं, तो उसे थोड़ा दौड़ाऊंगी। Not marathon, पर बस एकदम छोटी मोटी रेस। उतना तो कर ही सकता है ना अपनी रति के लिए। बिल्कुल। Now listen, जैसे ही मनीषा बुआ की हल्दी खत्म होगी, वैसे ही तन्वी आंटी राहुल को बोलेंगी मुझे कंगन पहनाने की। तब वैसे ही वाह, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अब तो बस आप समझ लीजिए, काम हो गया। तो तैरा। मैं तो मॉम डैड को बताना भूल ही गई कि उनकी डॉटर को राहुल प्रपोज करने वाला है। अभी कॉल कर देती हूँ। पर उसने रति की मांग में सिंदूर तो नहीं भरा ना? वो दिन भी जल्दी आएगा चाची जी, और उस दिन मैं उज्जैन में तो नहीं रहने वाली। बस पापा मान जाए तो मैं कल की फ्लाइट से ही मुंबई चली जाऊंगी। शहर छोड़ जाने से प्यार छूट जाता है क्या? राहुल को बुला पाओगी? जानकी जी, पूजा की सारी विधि हो गई है, अब आप तेलबान की रस्म शुरू कर सकती हैं। सब मुझे आज्ञा दीजिए। जी ठीक है मैडम जी। जय महाकाल। जय महाकाल। मौली, मनीषा को नीचे ले आओ, मुहूर्त का समय हो गया है। हम भी सबको जाके बुला लाते हैं। नोटिस? नन्ने क्या नोटिस, कैसा नोटिस, काय का नोटिस? अरे हमने कभी दुकान या धंधे में कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं है, और ये तो घर का मामला है। हम जानते हैं भैया, सरकारी नोटिस आया भैया। नन्ने तुमने जरूर कोई बिल या रसीद देखी होगी और गलत समझ लिया होगा। लिफाफा मुझे दिखा भैया।
वो लिफाफा गुम हो गया भाई। गुम हो गया? नन्ने तुम लो, आप दोनों भाई यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हो। पंडित जी ने तेल बांध की तैयारी शुरू कर दी है, अब हल्दी की शुरुआत आप दोनों ही शुरू करेंगे ना? हाँ नहीं, वो शगुन के लिए पैसे लेने आया था। तुम चलो, हम आते हैं। जल्दी आ जाओ। नन्ने, कहीं से भी ढूंढ के लाओ वो नोटिस और हमें दिखाओ। भैया, करण जी की हल्दी लेकर सुप्रभा जी आती होंगी। जी जानकी माँ, उससे पहले मनीषा की हल्दी कर देते, नहीं तो व्यवहार वाली बात हो जाएगी। ये यहाँ सबके सामने बोल दिया है, लेकिन सुप्रभा जी के सामने ये बात मत बोलना। चलिए आप हल्दी की रस्म शुरू कीजिए। सुख की छाँव मिलती है, ये क्यारी प्यारी रिश्तों की, यहाँ खुशियाँ फूल सी खिलती है। माँ की दुआओं सा टीका नजर का, रिश्ता सारे पैसे। मेहंदी वाला घर, मेहंदी वाला घर, मेहंदी वाला घर, मेहंदी वाला घर। अमित ने तो बोला था नोटिस मिलते ही घर में मातम छा जाएगा, पर यहाँ तो खुशियों का माहौल दिख रहा है। नोटिस मिली भी या नहीं इन लोगों को अब तक मुझे पता करना होगा। ये कंगन तेरे पापा ने मुझे पहनाए थे जब हमारा रिश्ता तय हुआ था। अब तू ये कंगन ले और रति को पहना दे और अपना रिश्ता पक्का कर। हाँ रति बेटा, आगे आओ। अरे ये रति कहाँ चली गई? रति कहाँ गई? अभी तो यही थी। राहुल तू जा और लेकर आ रति को, मेरी होने वाली बहू। जा। रुके 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 रुके, आइए आइए। राहुल को रति के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रति राहुल के पास खुद चल के आएगी, और वो भी एक सरप्राइज प्लान के साथ। इसलिए लाइट्स। राहुल आगे बढ़ो, इन 5 लड़कियों में से मुझे ढूंढो और पहचानो और पहना दो कंगन। जब ड्रामेबाज परिवार है, पर अच्छा ही है, सब ड्रामे में व्यस्त है। हम नोटिस ढूंढते हैं और फिर किसी तरह सबके सामने लाकर सबकी बोलती बंद करते हैं। पुराने समय में स्वयंवर भी खुले चेहरे से होते थे, और ये घूंघट की नई प्रथा शुरू कर दी रति ने। दादी, रति यही तो टेस्ट लेना चाहती है राहुल का, कि राहुल सिर्फ उसे शक्ल से पहचानता है या दिल से। अरे जा राहुल, पहचान के दिखा हमारी बहू को आप।
Come on, Rahul, all the best. Come on. Come on, Rahul. Come on, Rahul, come on. Rahul, come on. All the best. Guys. मैं जा रहा हूँ, ओके? अरे अगर यूनिवर्स का सिग्नल होता है ना तो सोलमेट मिल ही जाता है। गोलू, राहुल रति को बचपन से देखता आ रहा है। वो चुटकी बजा के उसे पहचान लेगा। देखना तुम। वाह। हम ना रति को शगुन में देने के लिए गिन्नी लेकर आते हैं। ठीक है। शत प्रतिशत जानकी बुढ़िया ने दबोचा है नोटिस, छुपा के रखी होगी अपने किसी कमरे में ताकि बेटी की हल्दी ना रुके। पर हम तो अब शादी रुकवाएंगे जी, खोज के निकालेंगे जी जे नोटिस। घोट के पी तो नहीं गई? राहुल, जिसका हाथ छूते ही तुझे लगे ना कि ये राइट चॉइस है, वही तेरी सोलमेट है। ध्यान से राहुल भैया, आज जिसका हाथ पकड़ लिया ना पूरी जिंदगी छोड़ नहीं पाओगे। आज पता चलेगा कि राहुल भैया के दिल में क्या है। ये अलमारी कैसे खुली रह गई? यस राहुल, तुम्हारी रति तुम्हारे सामने है, प्लीज पहचान लो। मुझे पता है राहुल, तुम्हारे दिल में रति नहीं मौली है। आज दिल की बात सच करने का समय, तुम रति को नहीं मौली को ही कंगन पहनाना। चलो राहुल, बहुत समय ले लिया, सलोनी होती तो अभी तक कंगन पहना भी चुका होता मैं। ये क्या किया तुमने अभी? मौली, आपने घर दिखाया राम जी, मेरे विश्वास की लाज रख ली आपने। व्यवहार वाली बात है, नाव को जाना था इस पार, चली गई उस पार। Of course.
बिकॉज डैड मैं बहुत खुश हूँ. अब तो एंगेजमेंट की भी बातें हो रही है. इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है. दे ऑल आर डांसिंग सिंगिंग. आपको बैकग्राउंड में तो सुनाई दे ही रहा होगा ना. हाँ मैं अभी उन्हें ज्वाइन ही करने जा रही हूँ. अच्छा लिसन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. ओके बाय डैड. बधाई हो बेटा, आज से हमारी बेटी की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है. आई थॉट आप जा चुकी है. जाना तो सबको ही है, मगर खुशियां बांट कर जाओ तो दिल हल्का रहता है. इसलिए तुम्हें बधाई देने के लिए रुक गए थे. हमारी लंदन वाली बिटिया का रिश्ता फलता फुलता रहे, उस पर किसी भी काली जादूगरनी या डायन की नजर कभी ना पड़े. थैंक यू आंटी, बट डोंट वरी, राहुल और मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है. उसे कोई भी नजर लगा के तोड़ नहीं सकता. टूटने को तो बांध, पुल, मकान, घर, दिल, रिश्ते कुछ भी टूट सकते हैं, अगर कोई तोड़ने पर आ जाए तो. इशारे में समझा रहे हैं तुम्हें, अपनी आंख और कान दोनों खुले रखना. तुम्हारे राहुल पर कभी भी कोई भी झपटा मार सकता है. नो वे आंटी, राहुल को किससे खतरा हो सकता है? अरे बेटा, खतरा राहुल को नहीं, तुम्हें ही, मौली से. क्योंकि मौली जैसी लड़कियां अपनी शादी को तोड़कर गिरे हुए सिक्के की तरह खन 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 आवाज करके जब घर में घूमती है ना, तो अपनी खन खन की आवाज से सबको आकर्षित करती है. फिर सब लोग उस सिक्के को उठाने झपट पड़ते हैं. तू अपने राहुल को उससे दूर रखना, क्योंकि सिक्के का लालच तो सबको होता है ना. ये सब सच में हो सकता है क्या आंटी? हो सकता है, अरे होता है. अरे तुम लंदन में रही हो, ये सब क्या जानो? ये मौली जैसी लड़कियों का सबसे बड़ा शौक होता है, दो लोगों के बीच घुस जाना और उनके रिश्ते को तोड़ देना. जिसको कोई एक नहीं मिलता, उसी को अनेक की चाहत होती है. अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है, अब मानस को पहला शिकार बना चुकी है. अब आगे किसको शिकार बनाएगी, राम ही जाने. अरे व्यवहार वाली बात तो है, हम तो अपने करण को उससे कोसों दूर रखेंगे. तुम अपने राहुल को देख लेना. जी आंटी. अरे अरे, ज्यादा दिल पे मत लेना हमारी बात. हम तो एक शुभ चिंतक के तौर पे बोले हैं. बाकी मौज करो, अभी अभी तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है. चलते हैं. लगाई ऐसी आग कि बुझाए से भी ना बुझे. अब जाके अमित बंसल से नोटिस का पता करते हैं और कहेंगे कि नया नोटिस निकलवा के किसी सरकारी आदमी से तुरंत यहाँ भिजवा दे. मेहंदी वाले घर की खुशियां नहीं बिखरना चाहती मैं चाची. मैं यहाँ रही ना तो मेरी आंखों में दिल दिख जाए. सबको बुरा लगेगा चाची जी. घर की खुशियां रूठ जाएंगी चाची जी, इसलिए मैं वापस जाना चाहती. इसलिए मैं जाना चाहती हूँ चाची. मौली, जिस घर में तेरी वजह से खुशी आई है 25 साल बाद, उस खुशियों को तुझसे कैसा खतरा? तो राहुल के वजह से हम सबको छोड़ के चली जाना चाहती है. मैं तेरी खोई नहीं लगती. आपकी इम्पोर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में, ये आपको ऑलरेडी पता है चाची जी. सिर्फ आप मुझे समझेंगे.
इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। मैं तुझे जाने भी तो नहीं देना चाहती, दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है चाची जी मेरे पास। इतनी मजबूत दिल की नहीं हूं मैं चाची जी कि राहुल और रति की एंगेजमेंट एंड ऑल सब हंसते हंसते देख पाऊं। प्यार करती हूं उस, बोल नहीं पाए और अच्छा हुआ बोल नहीं पाई, अगर बोल देती तो उनकी वजह से जो खुशियां घर में आई है वो नहीं आ पाती। तू अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, तूने देखा नहीं आज राहुल ने तुझे कंगन पहना है? वो सब मैं नहीं जानती चाची जी। राहुल अब रति का हो चुका है और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कुछ खो गया आपका? पापा क्या हुआ? पापा आप रो रहे हैं? क्या हुआ पापा, बताइए हमें। कुछ नहीं बेटा, तुम ले जाओ, मैं देख। पापा ऐसे कैसे चले जाए, अपनी हालत देखिए आप बैठिए, इधर आइए पापा, बैठिए बैठिए बैठिए। अब बताइए क्या हुआ है? नोटिस, स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिस है। वो कह रहे हैं कि हमारे घर का आगे वाला जो पोर्शन है वो इलीगल है और उसे तोड़ना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.